आज का सरमन बोलिए, बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट एंड रूल कुदस, और आज का बपतिस्मा। निकालिए मेरे साथ मत्ती की अंजील उसका तीसरा भाग और क्या भी आए। मैं तो तुमको तोबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। आगे सब पढ़िए, वो तुमको रूल कुदस और आग से बपतिस्मा दे। रेफरेंस अमाल पहला बाब 8वीं आयत, लेकिन जब रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुबत पाओगे और यरूशलेम तमाम यहूदिया और सामरिया और जमीन के तहा तक मेरे गवाह होंगे। पहला फसल नेकियों 5वां बाब 19वीं आयत, रूह को ना भूलता हो। जॉन बैप्टिस्ट कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये कहता है, मैं तो तुमको तोबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर मेरे बाद जो आता है वो मुझसे जोरावर है, वो तुमको रूल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। वाटर बैप्टिज्म पे भी निगाह हो, होली स्पिरिट बैप्टिज्म, फायर बैप्टिज्म के ऊपर भी पूरी पूरी हमारी निगाह हो, फिर आप स्पिरिचुअल रैलम में दाखिल होंगे। और ये क्राइस्ट से पहले मिनिस्ट्री का आगाज कर रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और लोग आकर यदर में उसे पानी का बपतिस्मा देते थे। जॉन बैप्टिस्ट क्या कहता है, मैं तो तुमको सिर्फ तोबा के लिए पानी से और मगर मेरे बाद जो आता है वो मुझसे जोरावर। क्यों जोरावर? पहली बात कि वो मुझसे पहले अजल से है, खुदा की जात के अंदर है, खुदा का बेटा है, इसलिए वो मुझसे जोरावर। और उसकी जोरावरी का सबूत क्राइस्ट खुद कहता है, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो तुम्हें रूल कुदस भेजूंगा, यानी ये जोरावर लोग ही, जोरावर पर्सनैलिटी ही होली स्पिरिट का बैप्टिज्म दे सकती है, भेज सकती है। और क्राइस्ट खुदा का बेटा जो खुदा की जात के अंदर इंकर्नेशन रजस्व हुआ, मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर गया, इंटरसेशन की, तब जाकर होली स्पिरिट हमें भेज। ये जोरावर, और ये जोरावर होना सिर्फ क्राइस्ट है जो मुर्दों में से जी उठा, और कोई नहीं। रूल कुदस का बपतिस्मा कोई शख्स नहीं दे सकता। याद रखिए, वाटर बैप्टिज्म हम देते हैं क्योंकि क्राइस्ट ने कहा, जाओ जाकर अंजील सुनाओ, खुशखबरी सुनाओ, और उनको बाप बेटे रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, यानी वाटर बैप्टिज्म। और जो क्राइस्ट ने वाटर बैप्टिज्म की तालीम दी, वो क्राइस्ट की डेथ रेजोरेक्शन पर हमारा बिलीव है, वो बैप्टिज्म हम लेते हैं। जब जिस मसीह को पूर्ण कर लेते हैं तो जब पानी में जाते हैं तो क्राइस्ट की डेथ को अपनी जिंदगी में शो करते हैं, जब बाहर निकलते हैं ये जी उठना, तो ये इशादत पैदा करते हैं जिस पर हमारा ईमान। तो ये क्राइस्ट का ऑर्डर है, हुक्म है। मूसा ने भी बपतिस्मा दिया कुलजम के अंदर, पौलुस रसूल कहते हैं बनी इसराइल ने मूसा का बपतिस्मा लिया, यानी जब वो कुलजम में से गुजर, वो उसके साथ भी रूल कुदस का कोई ताल्लुक नहीं, मूसा के बपतिस्मे के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो या शरीयत के साथ होली स्पिरिट का कोई ताल्लुक नहीं है बपतिस्मे का, ना जॉन बैप्टिस्ट के साथ उसका ताल्लुक, ना कोई और जो बपतिस्मों की तालीम गल देते। आप देख लीजिए बचपन के अंदर कहते हैं बैप्टिज्म,
बच्चे को दे रहे हैं कि बच्चे को बैप्टिज्म कैसे हो गया? होली स्पिरिट। बैप्टिज्म का ताल्लुक क्राइस्ट के बैप्टिज्म के साथ है और किसी बैप्टिज्म के साथ नहीं। बच्चों को ब्लेस किया जाता है, मखसूस किया जाता है। और बैप्टिज्म जो क्राइस्ट पर ईमान लाते हैं उनको आगे जो है क्राइस्ट होली स्पिरिट बैप्टिज्म देते हैं। तो जॉन बैप्टिस्ट ने बताया कि जो मुझसे जोरावर है मैं उसकी जूतियों के तस्मे खोलने के लायक नहीं। आप देखें इतनी बड़ी पर्सनैलिटी का मतलब है जूतियां मालिक की एक गुलाम उठाता है क्या उस तस्मे को खोलता है। एक गुलाम गुलाम अपने मालिक रूलर क्यूरियस लॉर्ड उसकी जूतियां उतारता है। ये गुलाम का जो ना कहता मैं उस लायक भी गुलामों से भी नीचे मैं उसकी जूतियों के तस्मे खोलने के लायक नहीं। और उस जात ने मुझे आपको अपनी बॉडी में शरीक कर दिया अपनी दुल्हन अपनी क्रिस्ट इतना मदद कर दिया क्यूरिया बना दिया क्वीन बना दिया। हाँ गुलाम से भी नीचे अगर आप इसलिए पल जो ना बपतिस्मा देने वाला कहता है मैं दूल्हा का दोस्त वो दूल्हा जिसकी दुल्हन है यानी क्लीसिया वो दूल्हा मैं नहीं मैं तो गुलामों से भी नहीं। और मैं वाटर बैप्टिज्म देता इसलिए आ रहा हूं कि क्राइस्ट साइड पर जाए। इसकी मां ने भी उसको बताया जब रह में ही बैठा तो दूल कुदर से बाप भी जब उसकी जबान की गिरा खुली तो वो होली स्पिरिट से मामूर हो गया और नबूत करने लगा। माँ अलिशबा भी नबूत करने लगी कि सारे होली स्पिरिट के साथ पूरे खानदान का ताल्लुक फिर कहता उसका छाज उसके हाथ में है। जैसे देहातों के अंदर जब गंदम साफ की जाती है ड्रेन देख कर हो जाते हैं भूसा छूट जाता है। और गेहूं को तो वो अपने खत्तों में जमा करेगा पर भूसे को आग लगाएगा। जो दरख्त फल नहीं लाता काटा और आग में डाला जाता ये बयान कर रहा है और खुद एलिया की रूह के अंदर है वो एलिया जो आग लगवाता। ये ऐसे नहीं कह रहा कि मुझसे जो सुरावल होगा वो आग का बैप्टिज्म देगा हालांकि ये एलिया की रूह के अंदर है। एलिया आग के भगोले में उठाया जाता है मगर ये अपने ऊपर नहीं कहता हालांकि वो स्पिरिट है। आग के ऊपर ये अपनी जात के हवाले से बात कर सकता है दूसरे के लिए नहीं पर अपनी भी नहीं कर रहा। वो तो ये कह रहा है मैं तो खुद से बपतिस्मा लेने का सोचता हूँ। यीशु मसीह को उसने कहा मैं तेरी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं और यीशु मसीह ने क्या कहा खोने दे हमें बोलिए इसी तरह सारी राष्ट्रवादी पूरी करना क्या कहा होने दे बपतिस्मा मुझे लेने दे ताकि मैं राष्ट्रवादी को साबित करूं कि बैप्टिज्म लेने वाला राष्ट्रवाद काउंट होता है पर क्राइस्ट का बैप्टिज्म लेने वाला रूह कुदस का बपतिस्मा पाता है वो पार्टी की को शो करता है डिवाइन एनर्जी राष्ट्रवादी पार्टी की को शो करता है। और इसका मतलब है कि यूहन्ना की तालीम पर जब ईमान लाते थे वो सिर्फ एक दूसर देता ये है ईमान डेथ रेजरेक्शन नहीं सिर्फ गुस्सा। खरूज की किताब में कहनों को जब मखसूस किया जाता उससे पहले उनको नहलाया जाता पाकिस्तान के लिए जरूरी होता फिर हारून और हारून के बच्चे वो कुर्ते पहनते उमामे पहनते नहाने के बाद। और इब्रानियों में लिखा शरीयत तरह तरह के गुस्लों की बाबत तालीम देती है। तो ये सिर्फ एक गुस्ल जो सिर्फ जस्मानी पाकिस्तान को इनर्जी नहीं
روح کی نہیں، روح کی پاکیزگی کے اوپر شائش سے آ کر کام کیا. آمین. وہ صرف جس غسل پہلے اوپر سے پانی ڈال دیتے اور وہ یدن میں پاک دے دیتے. بیپتیزم کو گریک میں بیپتیزو کہتے ہیں، بیپتیزو کا مطلب کو ڈے پانی میں ڈبو دیتے یعنی مکمل پانی کیا. تو جب آگے ہولی اسپرٹ بیپتیزم کی بات آئی تو بیپتیزم کا تو مطلب یہی اس میں ڈپ ہونا، اس کا مطلب ہے روح القدس کا بپتسمہ ہے تو روح القدس کے اندر ڈپ ہونا. اور اگر آگ کا بپتسمہ ہے تو آگ کے اندر چلے جائیں. تو وہ ڈپ کرتا کہ اس لیے مسیح نے کہا ہمیں اسی طرح پر پوری کرنا ضرور ہے اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا. اور جب ایک ڈرائیس آیا اور ڈرائیس نے کہا، جب آپ آواز کی کتاب پڑھتے یوحنا کو، یوحنا نے تم کو پانی سے بپتسمہ دیا اور اس نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد جو آتا ہے وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا. تو آپ یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ صرف روح القدس اور آگ کی بات یوحنا نے کی ہے، آگے کہیں پر سوائے پالوس نے ایک جگہ کے اوپر جو میں آگے تعلیم دوں گا پر ایک دو ریفرنس ہے، باقی اور ٹرم میں ریفرنس آئے. اور وہ یہودیوں کو کہہ رہا ہے، اس کا ٹارگیٹ فوکس یہودی ہے. انہوں نے اسے کہا میں تو تم کو جسمانی پاکیزگی کے لیے صرف ڈپ کر رہا ہوں، مگر میرے بعد آتا وہ تم کو آگ سے بپتسمہ دے گا. اور ملاکی کی کتاب میں کرائسٹ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ سنار کی آگ کی مانند بیٹھے گا اور ان کو تائے گا. آمین. وہ اندر سے آگ کرے گا، نہ صرف ان کو بھی بلکہ غیر قوموں کو بھی، سب کو. اس کا فوکس دھیان مکمل یہودیوں کو بتا دیا بھائی میں جس آپ کو بپتسمہ دے رہا ہوں. آگے ہے سٹیپ آپ نے لینے، جب آسمان پر اٹھایا گیا جانے سے پہلے اسے کہا یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک روح القدس تم پر نازل نہ ہو، وہاں ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس ملے، ٹھہرے رہو. تو یہ جاتے اس نے یہ بات کہی، مگر اس سے پہلے بھی جانے سے پہلے کہا میں دوسرا مددگار تمہیں بھیجوں گا، ہیلپر پیراکلیٹ اور پیراکلیٹوس ہمارا انٹرسیسر، ہمارا ایڈوکیٹ، ہمارا کونسلر، کمفورٹر، وہ بھیجے گا. یہ کرائسٹ نے کہا، یوحنا نے بھی کہا کہ وہ آپ کو بپتسمہ دے گا، کرائسٹ نے خود بھی کہا میں جا کر بھیجوں گا. اور پھر اس نے بھیجا، موقع کیا تھا عیدِ پینتیکوست، فیسٹ آف پینتیکوست، عیدِ پینتیکوست کے موقع کے اوپر روح القدس کا نزول، ڈیسینٹ آف اسپرٹ جو ہے پاک روح کا نزول، یہ پینتیکوست کے موقع کے اوپر ہوا. اور یوحنا کہہ رہا وہ آئے گا دے گا، اور کس موقع پر ہوا بولیے، عید پینتیکوست کے موقع پر ہولی اسپرٹ کا نزول ہو رہا ہے. تو عید پینتیکوست کو پہلے آپ سمجھ لیں، یہودیوں کی تین بڑی عیدیں، عید فصح، عید پینتیکوست اور عید قیامت. عید فصح کے موقع پر جب یہ مصر سے رہا ہوئے تو بروں کو قربان کیا، یہ عید منائی جاتی تھی سلام، اس موقع پر مسیح قربان. اور اس کے بعد عید پینتیکوست، جس دن عید فصح ختم ہوتی یہ سات دن کی عید ہوتی، اس سے اگلا دن عید پینتیکوست کا شروع ہو جاتا تھا. اور جب یہ 50 دن پہ آتا تو عید پینتیکوست منائی جاتی، پہلا آخری 50 دن، تو یہ 50 دن کی تھی. تو عید پینتیکوست کا دوسرا حصہ جو 50 دن ہے، یہ 50 دن کی تھی. تو جی اٹھنے کے بعد کرائسٹ 40 دن تک لوگوں کو نظر آتا رہا،
40 डेज तक, तो 40 डेज तक आप बताइए यीशु मसीह क्या एक जगह पे बैठ गया या ऊपर? वो तो जहां जमीन अर्थ के ऊपर जी उठने के बाद क्या लोगों को दिखाई, लोगों ने रेजोरेक्टेड क्राइस्ट को देखा, इसका मतलब रूहें जीती जा रही। और अपने साथ वो 24 कहिनों को आसमान पर लेकर गया, उनको भी जिंदा किया, जो यीशु मसीह के मरने पर कब्रें खुली थी, उन कहिनों को जो ओल्ड टेस्टमेंट के थे और तवारीख की किताब में है, उनको साथ ले गया। इसलिए उसके तख्त के, क्योंकि 24 बुजुर्ग यानी 24 कहिन बैठे हैं, वो खुद हाई प्रीस्ट है, तो कौन को भी जीता। और पंच कहता है वो 500 को दिखाई दिया, बहुत से लोगों को दिखाई दिया, यानी रूहें जीती जा रही है। तो ये 40 डेज के अंदर ये हुआ। तो इन्हें पेंटिकॉस का जो पहला दिन जब इसे फसा के बाद स्टार्ट होता, लिखा है कि वो खेत, ये पहले फलों की ईद इसको कहा जाता है या हफ्तों की ईद? इन्हें पेंटिकॉस को क्या कहा जाता है, पहले फलों की ईद या हफ्तों की ईद? तो ये 7 हफ्तों की ईद होती है, 50वें दिन के बाद 50वें दिन आती है। और जब पेंटिकॉस कहा जाता है तो इसका मतलब है 50, यूनानी जबान में पेंटिकॉस 50 इसका मतलब है 50वां, ये 50वां दिन आता है। श्री तो लिखा जब ईद पेंटिकॉस का दिन आया, यानी 50वां दिन आया, समझे? तो हम 50वें दिन की अहमियत को समझे कि यहूदी करते क्या। तो पहला पुला हलाया गया क्राइस्ट पहले दिन, तो दूसरा ईद फसा का दिन आता है, वो एक पुला हलाते थे, यानी यीशु मसीह जी, ये पुला हलाया गया, ये क्राइस्ट के जीव थे ऊपर। उसके बाद 50 दिन बाद जब 50वां दिन आएगा, तो वो पेंटिकॉस्ट की फसल की सारी कटाई करके उस आटे में से 2 गिद्दे बनाए जाते थे, यानी गोल रोटियां, गिद्दे का मतलब रोटियां बड़ी बड़ी बनाई जाती 2, और उसको आक्षी कुर्बानी, नजर की कुर्बानी, सौंफ की कुर्बानी के ऊपर जो है खुदा के मस्बा के ऊपर जलाना है, नजर की कुर्बानी। तब तुम अगर पहले नहीं लाए कुर्बानी की, फिर नहीं कुर्बानी, यानी पेंटिकॉस्ट के ऊपर 2 मर्तबा वो रोटियां लेके आते थे। तो लिहाजा इधर पेंटिकॉस्ट के मौके पर यहूदी 2 गिरते बनाकर लाए, 7 खता की कुर्बानी के जानवर भी थे, ये सब बर्न ऑफरिंग के लिए थे, यानी रोटियां ये रखी जाती थी और एक जो मस्बा की आग से उसको जलाया, ये नजर मील ऑफरिंग। तो यहूदी तो ये काम कर रहे थे, मगर हैकल का पर्दा तो फट चुका था, कुर्बानियां माकूफ हो गई मसीह के बाद, अब नई कुर्बानी की जरूरत है, वो 120 की जमात बैठी हुई है जो यीशु मसीह की खिदमत, यानी जो 40 दिन में फसल काटी वो बैठी हुई है। और यीशु मसीह आसमान पर जाने के बाद उस वक्त कहता है कि तुम थोड़े दिनों के बाद, यानी 10 दिनों के बाद, यानी ये पेंटिकॉस आएगी, ये रोटियां, ये कलीसिया, ये फसल की कटाई रखी होगी, इस पर मैं अपनी आग भेजूंगा। तो ये पेंटिकॉस के मौका पर होली स्पिरिट का डिसेंड ऑफ स्पिरिट उतरना, नाजिल होना, ये आग का नाजिल होना है, गोया स्पिरिट ऑफ होली स्पिरिट और स्पिरिट ऑफ बैप्टिज्म ऑफ फायर एक ही है, गोया रूल। तो इसका मतलब है खुदावन की आग ईद पेंटिकॉस के मौका पर रोटियों पे आती थी, पर अब ये स्पिरिचुअल ब्रेड पड़ी, ये कटाई जो है ये कलीसिया 120 की जमात, इस पे आग ने आना ही आना है, और ये होली स्पिरिट आया है, उसने कबूल किया है। और लिखा जब आग से गुजरानी जाती थी तो खुदा उसकी राहत अंगेज खुशबू देता था, तो या कलीसिया को उसने कबूल कर लिया, इब्तदाई कलीसिया को। और ये मसीह की कटाई है जो 40 दिन हुई और 10 दिन के बाद रूल कुदस नाजिल हुआ, और वो रूह से मामूल हो गए,
लिखा है आग की फटती हुई जबाने उनके ऊपर आ ठहरी और वो गैर जबाने बोले। तो ये टाइम इन्हें पेंटिकॉस्ट का किस मौके किस लिए था? ये हेवन की आग उतरे, अब डिसेंड ऑफ स्पिरिट, उसका आना नजूल, इसकी तशबीहात सुन लीजिए। होली स्पिरिट कबूतर की माने तक क्राइस्ट पर ठहरा। जब उन्हें बैप्टिज्म लिया तो कबूतर आकर ठहरा ऊपर, और या फिर हेवन से आग आती थी, ये दो ही काम होते थे। जो उतार डिसेंड का मतलब है कि ऊपर से नीचे आना, उतरना नाजिल होना किसी चीज का, तो होली स्पिरिट ऊपर से आ रहा है, आग ऊपर से आ रही है। तो क्यों कबूतर की मानद, कबूतर अपने घर के ठिकाने को समझता है, जहां भी है उड़ता उड़ता अपने घर उतर जाता है। उसका उतरना ये कबूतर ही जानता है और कोई नहीं। इसलिए इसमें होली स्पिरिट जो है दिखाई देता है। बाप यहोवा फरिश्ता में नमूदार होता, क्राइस्ट ने इंसान की बॉडी उसमें तजस्सुम लिया, और जो डम कबूतर में होली स्पिरिट। तो ये फरिश्ते हैं, इंसान है, जानदार, तो ये तीनों ही जो है मखलूकात है, इनके अंदर ट्रिनिटी डिवाइन पर्सनैलिटी ने अपना जहूर किया। तो कबूतर उतरता है, सिर्फ वहां ही उतरता है जो उसका ठिकाना खान। या आग आसमान से उतरती थी कुर्बानियों के ऊपर, ये दो ही चीजें उतरती थी, ये दोनों ही का नजूल होता, नाजिल का मतलब होता उतरना ऊपर से नीचे की तरफ, ये नाजिल ना नजूल। तो जब होली स्पिरिट ने आना था तो कबूतर की नेचर है कि उतरता, वो अपने घर को पहचानता, उसने क्राइस्ट पे गुजरा क्योंकि वो क्राइस्ट को पहचानता है, कैसा करता है। और कलीसिया को भी कि ये पाक कलीसिया बैठी हुई है, खुदा के लोग हैं, और ये आग की तरह उनके ऊपर आया और खुदा ने रहा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये नज़ूल का मानी, इसे लिखा जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा, ये है नाजिल का मान। अब नाजिल हुआ इब्तदाई कलीसिया के ऊपर, मगर वो पहले नए सिरे से पैदा हो चुके, वो नए सिरे से फिर नाजिल हुआ। आज की कलीसिया, आज के ईमानदार वो कहते हैं कि नाजिल हो, वो नाजिल हो चुका भाई। अब वो बैप्टिज्म देता है, वो रिपेंटेंट देता है, ईमान लाने का फसल बताए सारे स्टेप देता है, मगर वो नाजिल कहां हुआ? इब्तदाई कलीसिया के ऊपर उतर चुका है, उसका दौर शुरू है। अब कहां उसका रजू को तो हो गया रजूल, मगर अब इंफ्रादी तौर के ऊपर उनको बैप्टिज्म करता है। और सुनिए, जब रूह कुदस तुम पर बोलिए नाजिल होगा तो तुम बोलिए कुवत पाओगे, ये नहीं लिखा निजात पाओगे, निजात उसी वक्त पाई जाती है जब रूह कुदस मसीह पर ईमान लाने का फजल बख्शता है, और ईमान से हम यीशु को कबूल कर लेते हैं और रूह कुदस हमारे अंदर आता है। मगर जब तो लिख रहा है जब रूह कुदस नाजिल होगा तो तुम कुवत पाओगे, ये कुवत पाने का स्टेप है होली स्पिरिट बैप्टिज्म। और याद रखे सिर्फ उनके लिए, मैंने सिर्फ बोला उनके लिए जो खिदमत करना चाहते हैं, जो गवाह होना चाहते हैं, ये उनके लिए, मगर दूसरों के लिए रूह कुदस उनके अंदर है। रूह कुदस के बगैर कोई नहीं कहता कि मसीह खुदावंद है, इसलिए खुदावंद जब हम कहते, अब्बा जब कहते, ईमान जब लाते, वोट बैठते जब लेते, तो रूह कुदस हमारे अंदर है। और पतरस का बात सुन लीजिए,
उसने कहा भाई हम क्या करें, उसने कहा तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए बोलिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो आगे रूह कुदस। तो क्या आप पानी का बपतिस्मा और तौबा ऐसे ही कर ली? अगर रूह कुदस तीसरे स्टेप पे आके मिल रहा है तो पहले दो कदमों पे क्या किया? वो रूह कुदस ही ने तो किया। हम ईमान लाए इसलिए तौबा की, हम ईमान लाए इसलिए पानी का बपतिस्मा लिया, और ईमान लाए और जो कुवत पाना चाहते हैं उनको ये इनाम खादमों को मिल जाता है कि वो इसको हासिल करें। इसलिए हमें ये तरतीब पता हो कि पहले ईमान लाया जाता है होली स्पिरिट, ईमान लाने का फजल और हम तौबा करते हैं, नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, और क्राइस्ट का वाटर बैपटिज्म हम लेते हैं डेथ रेजरेक्शन का, और आगे रूह कुदस इनाम यानी रूह कुदस का बपतिस्मा शागिर्दों को कहा जा रहा है जो ईमान ला चुके थे, जो नए सिरे से पैदा हो चुके थे, उनको कहा गया कि जब तक कुवत ना मिल जाए बाहर ना निकलना। हालांकि रूह कुदस के वसीला से उन्हें रसूल भी कहलाते हैं, नए सिरे से पैदा भी हो चुके हुए हैं, मगर कुवत खिदमत के लिए उनके पास नहीं है। रूह कुदस है पर कुवत उनके पास नहीं। तो जब रूह कुदस नाज़िल होगा तो बोलिए नजात नहीं, ये शागिर्दों को कहा गया, तब तुम कुवत पाओगे। और आगे लिखा यहूदिया सामरिया गलील दुनिया की इंतहा तक मेरे गुनाह। अब जिनको बपतिस्मा मिला है हाय वो तो यहूदिया में भी गए, सामरिया में भी गए, गलील में भी गए, दुनिया के इंतहा तक भी आए, तू माल फूल यहां आया। अब जिनको बपतिस्मा हो चुका हुआ है, गिफ्ट मिल चुका हुआ है, वो शुरू हो जाए लाहौर में, रावलपिंडी में, कसूर में, कराची में, कहां गए हैं? कहां गए? वो तो गए, कईयों को मिल गया फिर भी नहीं गए, और जिनको नहीं मिला वो कैसे जाएंगे? मगर है वो सब ईमानदार। अगर आप खिदमत के लिए बाहर नहीं गए तो भाई कोई बात नहीं, खिदमत होगी तो जाओगे, इसमें मुश्किल बात ही नहीं। और अगर आप कहते हैं खिदमत करना है तो आओ, इसमें रुकावट क्या, तो क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं जा रहे, खिदमत है तो करो, पर ईमानदार आप हैं, आप उसके रूह में प्रस्तुत करते हैं, रूह के फलों के जरिए से बदन के कामों को मेज करते हो, खुदा के साथ हो, रूह को दस आपके अंदर आपके साथ मिलकर दुआ करता है, ये नहीं कि मैं काम जाए वही दुआ करता है, वो आपके अंदर है। मगर खिदमत के लिए शागिर्दों को अगर भेजना था तो ये रोकने की जरूरत नहीं, रुक जाओ भाई सब कुछ हो गया, रुक जाओ जब तक होली स्पिरिट ना नाजिल हो जाए, उबास सुने ना मिल जाए, तुम शहर से बाहर नहीं निकलो। ये सामरी यहूदिया सामरिया गलील आगे बोलिए दुनिया की इंतहा तक, बोलिए आगे मेरे बोलिए गवाह शहादत देंगे, डरेंगे नहीं, जोर कुवत आपको मिल जाएगा, तो आप गवाही देंगे खिदमत करेंगे। तो ये होली स्पिरिट बैप्टिज्म याद रखिए सिर्फ कुवत का लिबास है, मगर नजात पाना भी रूह कुदस के वसीला से है जो हम तौबा के नहीं लिया। इसलिए आपकी डिजायर है आपको और इसमें बैप्टिज्म मिले तो बैठ जाओ शिक्षकों की तरह, वो उन्हें 10 दिन बैठना पड़ा है और यहां 1 घंटा रिकॉर्ड, हम कहते हैं और दुआ करें होली स्पिरिट के लिए, टाइम ही नहीं है ही जब तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो तुम्हें भाई वहां 10 दिन को बैठे हुए और तुम्हारे पास 1 घंटा नहीं टाइम, और फेस्टिवल पे आने का टाइम नहीं है, तो रूह कुदस का बपतिस्मा मिलेगा, ये उन्हीं को मिलता है जो कुवत पर, ये उन्हीं को मिलता है और उन्हीं के लिए है, मगर रूह कुदस सबके अंदर है, इसलिए अगर कुवत नहीं
घबराने की भी बात नहीं है। इसमें क्या परेशान, आप प्रस्तुत करें ईमानदार चर्चा है, और अगर आप कहते हैं मैंने खिदमत करनी है तो आए फिर मैदान में, पता मिल गया है तो फिर खिदमत करूं। पता है सर कुदस का बपतिस्मा पाने के बाद भी खिदमत से दूर है, तो मन नहीं है कि इतनी बड़ी हस्ती ने उसको ये पास देगी। डायनामिक्स वर्ड है ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है पार, कैरिस्मेटिक वर्ड वर्किंग पार है। जैसे डायनेमो अंदर मोटर होती है उसके अंदर से कुवत निकलती रहती, ये डायनामिक्स पार होली स्पिरिट की जब मिल जाता है, जब कुवत देता है तो ये कुवत रोज रोज बढ़ती है, बढ़नी चाहिए। जैसे जैसे उसको जानते जाएंगे ये पार आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। इसलिए लिखा शागिर्द वाच सुनिए रोज रोज रूह कुदस से भटते और मामूल होते, रोज मामूल होना। यहां सिर्फ बपतिस्मा हुआ है, माने बोली हो गया हो गया हो गया, बस आप आगे बस खत्म हो, इसलिए अलग हो गया। फादर समझ रखे मत को साफी करें, ऑनर करें, हर चीज को समझे, कल से नेक्स्ट संडे इसके ऊपर मुकम्मल वजाहत आएगी। गैर जमाने बहुत जरूरी है, याद रखिए मैं भी बोलता हूं, मगर कुमत का लिबास मिल गया तो क्या करो, यहूदिया में शाम किया कलीम में दुनिया की इंतहा तक बोलिए मेरे गवाह होंगे। पहले दो बातें समझा दी कि जब पौरा करते ईमान लाते हैं वर्ड बैप्टिज्म लेते हैं कि रूल कुदस की बदौलत और रूल कुदस हमारे अंदर, मगर जब खिदमत करना चाहते हैं जाइए बपतिस्मा पाइए होली स्पिरिट बैप्टिज्म लीजिए। अभी मैं पाइप का नहीं ध्यान कर रहा, ये है ही की बात, होली स्पिरिट बैप्टिज्म ले लें, ये इनाम ले लें ताकि कुवत लेकर आप बड़े बड़े अजायब करें। आप इस तरह कुवत से भरे होंगे कि कोई दुनिया का शैतान तरीन बंदा भी आपके सामने खड़ा नहीं, कोई नहीं सके, बद्रूह भागेगी चिल्लाएगी चीखेगी आपके सामने। ये तो कुदरत है होली स्पिरिट की जिससे यूनिवर्स ये रूह खैमा इज्तिमा के कारीगरों के अंदर आ जाती थी, उनको मामूल कर देती, ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने बनाई। आज ईमानदार के अंदर भी ऐसा से टैलेंट पैदा कर देती है और वो दूसरों से फर्क नजर आते हैं अगर वो रूह से मामूल हो जाए। रूह में चले जिंदगी बसर करे, घराने बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है, खिदमत बदल जाती है, हर चीज फर्क नजर आना शुरू हो जाती है। तो ये कुवत डायनामिक्स ग्रीक वर्ड पार, अगर कोई बीमार है आप हाथ रखेंगे वो शिफा पा जाएगा, आंखें खुल जाएंगी, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, लंगड़े चलना शुरू हो जाएंगे। ये वो कुवत है, ये वो कुदरत है जो वो कातलों को देखकर दुनिया में इस्तेमाल करता है। अब कहेंगे मैम मैंने मैं दुआ करूं आंखें खुल जाए, पता नहीं, और कहता जी मोसा हो गया, ये बदूर निकलता है। फिर आगे हमें कहते हैं कई ऐसे खबर भाई साहब मैंने बदूर के पता पर हाथ रखा उसी दिन मुझे तंग कर रहे, और भाई बैप्टिज्म है नहीं तुझे, कुमत का लिबास तेरे पास है नहीं, क्यों हाथ डालता। ये वही डाले दिन पे दिन जिनको मतलब किया गया, जिनको बैप्टाइज और इस पेट से किया गया है, रोका गया है, जब तक न मिले मत जाओ। कई दुआओं के साथ दवाइयां देते हैं कि हिस्किया ने यशाया ने जीत की टिकिया दी, ये साफ बात नहीं होते, ये भी दवाई भी साफ ये होली बहुत बहुत चीजें वो फिर आगे करते हैं। किसने तुम्हें कहा होली ने
पिता ये दवाई बनाओ, ये पूरी बना के दे दो, ये चीनी दे दो, ये स्पीक मारो, ऐसे ऐसे बनाशे खादम कर रहे हैं कि आपको सुख होता है। सिर्फ इतना हाथ रखोगे तो बच्चे ये यीशु से कहोगे मेरे साथ आएंगे, क्योंकि कुदरत आपके अंदर आ चुकी है और इसमें ने ये जोर दे दिया है। इसलिए रसूल गए, दुनिया को हरा कर रख दिया, क्योंकि होली स्पिरिट की कुदरत। इसलिए बैप्टिज्म चाहिए तो ले लो, मगर उनको मिलेगा जो तो खिदमत का जज्बा कहते हैं कि है नहीं बैठो बिनाओ आओ ना हमारे साथ बैठो। और जी मैंने ये रूप तो चाहिए, अरे खिदमत करनी है डिस्कस करो, हम बैठते हैं आओ रोज बैठते हैं, जब कहता हूँ जाओ चलो मेरे साथ यहाँ तो द्वार के द्वार का हाल नजर आता है, चंद दिनों का हाल। इसलिए कि हमें कुवत मिली, हमें जोर मिला, हमें धैर्य धारी सस्ती मिल जाता है, क्या वो तौबा करते हैं पुलिस पे साथ ही हो जाता है, खुदा उनकी नियत को समझता है, असल से जानता है कि ये मेरी खिदमत करेंगे, एक ही वक्त में दे देता है जिसका कन्वीनियंस के काम में रूह कुदस नाजिल हुआ, वही ईमान का वक्त था, वही रूह कुदस के बपतिस्मे का वक्त था, पानी का बपतिस्मा बात नहीं। मगर तरतीब ये है, ईमान तौबा पानी का बपतिस्मा रूह कुदस, तरतीब तो ये है, मगर ये तरतीब उल्ट भी हो सकती है। मुझे भी 1979 में ईमान लाते वक्त तौबा करते वक्त ही रूह कुदस का बपतिस्मा हो गया, मैंने गैस दबा में बोली, मैं तो भरा पड़ा था, मुझे मैंने खिदमत कर दी, बपतिस्मा पानी का बात नहीं, बाद में रूह कुदस का बपतिस्मा बाद में मिलता है, पहले कर लेते हैं तौबा, पहले कर लेते हैं पानी का बपतिस्मा भी ले लेते हैं, वहां पर रूह कुदस का मिल सकता है। जैसे सुबह काल जब पालूस सिलास जेल खाना में बंद थे और जलजला आया और उनके बाद में जुए बच गए, उन्होंने क्या कहा, ईमान लाते तो बंद लिखा है, उसी रोज ईमान लाए, उसी रात पानी का बपतिस्मा दे, मगर रूह कुदस का नहीं मिला। तो इसका ये मतलब नहीं है वो एक सूबेदार है उसको भी खिदमत की पहचान नहीं है, ये तो जिनको पहचान है उनको मिलेगा, उसी वक्त भी मिल सकता है, वक्फा भी आ सकता है, तुम थोड़े दिनों के बाद करो, तुमको तो 10 दिन लगे या 3 साल पहले से वो चल रहे थे फिर जाके मिला, मुझे आपको 10 साल बाद भी मिल सकता है, 20 साल के बाद मिल सकता है, नहीं मिल सकता। इसका ये मतलब नहीं कि रूह कुदस हमारे अंदर, रूह कुदस हमारे अंदर, कुवत का लिबास सिर्फ सिर्फ खिदमत के लिए, पुलिस फिर का बैप्टिज्म दिया जाता है ताकि कुवत का लिबास पाकर हम खिदमत करें, मौजजात करें, अंजील सुनाएं, उसके गवाह बने, खिदमत करें, हर शहर हर मुल्क लोकल सिटी में जहां जहां मौका मिले रूहे छीनते चले जाओ, क्योंकि कुवत का लिबास बोलिए हमारे पास है। बैप्टिज्म होली स्पिरिट हो चुका, मगर तो भी जिसने रिपेंट किया होली स्पिरिट उसके अंदर, आप उसी पर काल लाए हो, आप सब के आमीन। आप ऐसे खिदमत करना चाहता इस बने खुदा से कहे वो किसी भी वक्त हो सकता, पर इसका मतलब ये है नहीं, जब उसका होगा तो ही रूह आएगा, वो सिर्फ कुवत के लिए आता है, मगर निजात के लिए वो पहले हमें तैयार कर दे। आखिर में सुनिए, आगे उतर कुर्बानियों पर भी आती थी, जमात पर भी आई और पालों से सुन तसलीकों में कहता है और ये लग गई। प्रेज़ द लॉर्ड।
बनाई हुई है, इसको बताओ आज को। और कानून ने कहा रूपर बोलिए ना पूछे क्या नीचे आओगे, कैसे पूछती है काफी ज्यादा भी हो जाती है कुछ भी है। कम होगी अगर ओबे नहीं करेंगे, ज्यादा होगी आप अमल करेंगे, बुझ जाएगी अगर उसको ओबे नहीं करो, दू के मुआफिक नहीं चलोगे तो ये भूल जाएगा। और बातों की जिंदगी के अंदर भूल जाती है, कोई से भी दूर हो जाते, खुदा से दूर हो जाते हैं, अपनी बातों के ऊपर चलते हैं, जो उनका हिसाब किताब देख कहता है उसके ऊपर चलते हैं, वो कलाम की और बातों के नहीं सुनते। होली स्पिरिट पूछा दाब जाओ, ये आग मेरे आग के अंदर लगी है। तो बंदा पास गया अंताकी की कलीसिया के अंदर, लिखा देखा उसने खुदा का फजल, ऐसे मामूल कलीसिया ऐसे खुदा के की प्रशिश करें जैसे यहाँ आदि इस खुदा की प्रशिश करती है, अमूल दुआ करती है, खिदमत करती है। अंताकिया की कलीसिया भी ऐसे आग लगी हुई थी और रसूल ने कहा इसी तरह खुदा के फजल से भरे, यानी मामूल रहो और आग बुझने न पाए। शागिर्द फिर यही करते रहे, जुमला सुनिए रोज पर रोज, रूह से मामूल रूह से मामूल बना आग को भड़काने, रोज रोज खिदमत करने, रोज रोज काफे, रोज रोज उसकी सुन, रोज रोज उसको जला दे, एक मामूली वाली जिंदगी मेरे आपके अंदर हो। एग्जाम्पल सुन ले, लिखा रूह को जब उसने खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल, मोहब्बत कृपालू कहता है उस लड़ाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई पर मामूल होना कई है, पर मामूल भी होना ये आग लग गई है हमारे दिलों के अंदर, इसकी लड़ाई चौड़ाई गहराई आग की दृष्टि और पखोलों को चाहने वाले बन जाए, ताकि जब वो आए तो भगोल हो जाए। कुदरत नजात पाने वालों के ऊपर आता है और पाप होने वाले किसी वालों के ऊपर आग से मोहर कर देता है, आग जगाती है कि ये पाप कलीसिया बैठे हुए है। इसलिए रूह कुदरत की कुदरत से मामूल होते चले जाए, यही आग का बपतिस्मा है। आखिरी जुमला एक ही सेंटेंस में सारी और इसमें करते तो मैं पॉइंट को बताऊंगा, वो अपने फरिश्ते को हवाए और अपने खाकों को आग के शोले पाए, अगर बैप्टिज्म कुबर पाएंगे और उसकी खिदमत करेंगे और रुको ना बुझाएंगे। आइए खड़े हो।